जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ठाकुर जी के लिए इस तरह का लेरिया का तकिया बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए पीच कलर के मोती, वाइट कलर के मोती, रू चाहिए और परोने के लिए धागा चाहिए, काटने के लिए कैंची चाहिए। इसके लिए हमें पहले वाइट कलर के 64 मोती लेने हैं, 64 मोती लेने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, बीस, त्रीस, पैंतीस, छत्तीस, इक्यावन, बावन, तिरपन, अट्ठावन, ओगणसाठ, साठ, बासठ, तिरसठ, चौसठ। हमने 64 मोती ले लिया है। इस तरह आप देख सकते हो, इस तरह हमने 64 मोती ले लिया है। अब हमें जो पहला मोती लिया था उसमें से सुई निकाल लेनी है। इस तरह हमारा राउंड हो जाएगा। अब हमें तीन व्हाइट मोती लेना है और ये तीन मोती छोड़कर चौथी मोती में से हमें सुई निकालनी है। इस तरह अब हमें पीच कलर के तीन मोती लेना है और तीन मोती छोड़कर ये चौथे वाले मोती में से सुई निकालनी है। फिर से वाइट लेने हैं, एक, दो, तीन, और ये तीन मोती छोड़कर चौथी मोती में से हम सुई निकालेंगे। फिर से हमें पीच कलर के तीन मोती लेना है और ये तीन मोती छोड़कर चौथे मोती में से सुई निकालेंगे। अब हमें फिर से तीन व्हाइट मोती लेना है। हर बार तीन ही मोती लेना है, एक बार व्हाइट, एक बार ऑरेंज पीच कलर के मोती लेना है। चौथे मोती में से हमें सोई। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपको जो भी हमारा वीडियो पसंद आया है उसको फॉलो करें। अगर आपको ये तकिए माला जो भी परचेस करना है तो हमारा नंबर व्हाट्सएप में दिया गया है, उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमें हर बार लाइन बनती जाएगी, आप देख सकते हो। अब हमें व्हाइट तीन लेकर तीन मोती छोड़कर चौथी में से सुई निकालनी है। फिर से हमें पीच कलर के तीन मोती लेना है और तीन मोती छोड़कर चौथे मोती में से सुई निकालनी है। लाइन में बना है तीन और ये तीन मोती, पीच कलर के तीन मोती लेना है और ये तीन मोती छोड़कर व्हाइट मोती में सुई निकालना है। हम लास्ट तक पहुंच गए हैं, तो तीन मोती पीच कलर के लेके जो हमने जो जी मोती में से सुई निकालती है उसी मोती में से हम वापस सुई निकालेंगे। इस तरह ये हमारा पहला वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। ये हमारा पहला वाला लाइन कंप्लीट हो गया है। हम दूसरी लाइन के तो ये दो मोती व्हाइट में से सोई वापस निकाल लेंगे। फिर से हम तीन ही व्हाइट लेने हैं और पीच कलर के बीच के मोती में से सोई निकालनी है। फिर पीच कलर के तीन मोती लेंगे और ये व्हाइट वाला बीच का मोती है पास वाला, उसमें से सुई निकालेंगे। इस तरह फिर से हम व्हाइट तीन लेना है और पीच वाला बीच मोती में से सुई निकालनी है। हर बार इसी तरह ही करता जाना है। जो कलर है पीच कलर लिया है तो व्हाइट में से निकालना है और व्हाइट कलर लिया है तो पीच में से निकालना है। अब हमें व्हाइट कलर के बीच के मोती में से सुई निकालने हैं। इस तरह हमें यह भी राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब हम दूसरी लाइन भी लास्ट तक पहुंच गए हैं, तो पीच मोती लेना है और ये व्हाइट वाला मोती में से सुई निकालनी है। बीच के मोती में से, ऊपर का मोती में से नहीं, ये पहली वाली लाइन है उसका बीच के मोती में से सुई निकालनी है। इस तरह फिर हमें जो ऊपर चढ़ना है तो ये दो मोती में से वापस हमने दूसरी लाइन करी थी उसमें से सुई निकालनी है। अब तीसरी लाइन चालू हो जाएगी,
तो हमें हर बार व्हाइट में से सोई निकालनी है, तो व्हाइट ही मोती लेना है तीन, और बीच में का भी बीच के मोती में से सोई निकालनी है। फिर से हमें पीच कलर के तीन मोती लेना है और व्हाइट वाला बीच मोती में से सोई निकालनी है। इसी तरह हर बार हमें आगे बढ़ते जाना है। ये मैं तीन इंच का तकिया बनाने के लिए जा रही हूँ। इसके लिए आपको जिस साइज का तकिया बनाना है, दो साइज और ये तीन साइज चार साइज, उसी तरह के माप से ये आगे आगे बढ़ते जाना है हर बार इसी तरह। आप कोई भी कलर का तकिया बना सकते हैं, लाइट डार्क कलर का, पिंक लाइट और पिंक डार्क कलर ले सकते हैं, ब्लू और दूधिया ले सकते हैं, सिंगल कलर का भी आप बना सकते हैं। आपको जो पसंद आए इसी तरह का आप तकिया बना सकते हैं। आपको जिसके लिए पीछे वाला तकिया भी बना सकते हैं, ओसी का बोलते हैं हम इसको, वो भी आप बना सकते हैं। ये मेरा तकिया 3 इंच का है, मैंने 2.5 इंच का माप लेके ये लेरिया वाला तक पोरवाया है, और ये मैं लास्ट तक हमारा डायरेक्ट ही रूप भरना है, इसलिए मैंने यहाँ पैकिंग कर लिया है। मैं आपको आगे के लिए बताऊंगी किस तरह हमें पैकिंग करना है। ये रू हम डाल देंगे तकिए में। बोल दो देख सकते हो, ये होसेबल वाला रू है। आपका तकिया जब भी आपको गंदा दिखे तो आप धो भी सकते हो। इस तरह मैंने पूरा दबा के रू डाल दिया है तकिया में, आप देख सकते हो। अब हमने जहाँ हमारा ये लेरिया पूरा हुआ है वहाँ फिर से हमें तीन सभी में व्हाइट कलर के मोती ले लिए है, आखिर व्हाइट कलर की लाइन बना ली है। अब हम तीन व्हाइट लेंगे, एक दो तीन, और ये हमें लास्ट वाला मोती है उसमें से सोई निकालेंगे। तीन मोती जो लिया था उसमें लास्ट वाला मोती है उसमें से सोई निकालेंगे, और ये लास्ट वाला मोती है उसमें से वापस सोई निकालेंगे इस तरह। फिर से हम तीन व्हाइट कलर के मोती लेंगे, और ये लास्ट वाला मोती है उसमें से सोई निकालेंगे, और ये लास्ट वाला मोती में से वापस सोई निकालेंगे जो हमने मोती लिया था उसमें से। फिर से तीन लेंगे, और ये लास्ट वाला मोती में से सोई निकालेंगे। हर बार लास्ट वाला मोती लेकर लास्ट वाले मोती में से सोई निकालनी है इस तरह। इस तरह हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, वो लास्ट में नाखना है, और फिर से लास्ट में मोती में से सोई निकालनी है इस तरह। इस तरह हमारा बनता जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम लास्ट तक पहुंच गए हैं, तो फिर से हमें तीन व्हाइट लेना है। ये लाइन पहला वाली कंप्लीट हो गई है। अब हमें तीन मोती लिया है, तो एक मोती में से सोई निकाल ली थी, अब हम बीच वाला जो मोती है उसमें से सोई निकालेंगे। इसी तरह हम और बार आगे ही बढ़ते जाएंगे। तीन मोती लिया है और लास्ट वाले मोती में से सोई निकाली है। तीन मोती लिया था तो एक मोती में तो वापस सोई निकाल ली थी, और बीच के दो मोती बचे हैं, तो लास्ट वाला मोती है उसमें से सोई निकालेंगे, और वापस जो हमने लास्ट का मोती था तीन मोती लिए थे उसमें से सोई निकालेंगे। ये बढ़ना है हमें, हमने तीन मोती लिया है, बीच बीच में हमें ऐसे ये वाला मोती है और पास वाला मोती है उसमें से सोई निकालनी है इस तरह में, इसलिए हमारा ये छोटा होता जाएगा, आप देख सकते हो इस तरह। और फिर से हमें तीन मोती ही लेना है, लेना तो तीन ही मोती है पर दो तीन कड़ी छोड़ के हमें इसी तरह बना लेना है। हमें दो मोती लेना पड़ेगा इस तरह, हमारा तीन ही मोती आगे तक चलता जाएगा।
जो आप देख सकते हो ये कंप्लीट होता जाता है। देख सकते हो आपको जारी दिखाई देती है, ये जारी दिखती है। मैंने मेरे वीडियो में पूरी तरह बताने की कोशिश करी है, आप देख सकते हो। और ये फिर से तीन मोती लेकर निकाल, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो। अभी मैं एक भी दो बार ऐसे ही मोती लेकर वापस निकलूंगी, पर ये हमारा पूरी तरह कंप्लीट ही हो गया है। अब यहाँ से घूम निकलने का नहीं, अभी हमें दो ही मोती लेना है। और ये वाला बीच का वाला मोती है उसमें से सुई निकालेंगे इसी तरह, और वापस सुई निकालेंगे इस तरह। फिर से हमें दो ही मोती लेना है, और ये पास वाला मोती है उसमें से सुई निकालेंगे, और वापस ये वाला मोती में से सुई निकालेंगे। दो मोती लिया थे उसमें लास्ट वाला मोती में से। अब हम एक ही मोती लेंगे, और जो ये पास वाला बीच वाला में जो भी मोती दिखा है आपको आइडिया आ ही जाएगा। ये वाला जो आप पूरी तरह देख सकते हो, ये हमारा पैकिंग हो गया है। फिर से एक वाइट लेंगे, और फिर से ये बीच वाला मोती है हमारी जहाँ पे चिड़िया दिखती है इस तरह, ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस वाली झुमकी यहाँ बनाने के लिए सिखाऊंगी। इसके लिए हमें पांच मोती पीच कलर के लेना है, एक दो तीन चार पाँच, और छह मोती वाइट लेना है, एक दो तीन चार पाँच छः, और वापस पीच कलर के पांच मोती लेना है, एक दो तीन चार पाँच। और वापस पास वाला मोती है उसमें से सुई निकालेंगे, पास वाला मोती है उसमें से सुई निकालेंगे इस तरह। फिर से हमें पांच ही लेना है पीच मोती, एक चार पाँच। इसी तरह हमें तीन बार कंप्लीट कर लेंगे, एक बार हो गया है, अब दो बार कंप्लीट कर लेंगे। हमें पास पास में ही मोती में से धागा निकालना है सुई को, इसलिए तो ही अपना सुंदर दिखेगी ये झुमकी। इस तरह अब हम यहाँ नोट लगा लेंगे, धन्यवाद। आप मेरी चैनल को आगे बढ़ाते जाएंगे, और मैं ऐसी नई नई वस्तु आपको बना के लिए सिखाऊंगी, धन्यवाद। ये हमारा सुंदर सा तकिया बन गया है, आप देख सकते हो नीचे, देख सकते हो कितना सुंदर हमारा बन गया है।